ये एक सच्ची घटना है। 22 दिसंबर 1964 का दिन था। ट्रेन नंबर 653 तमिलनाडु के मंडपम से धनुषकोटी की ओर चल चुकी थी। इन दोनों जहाज के बीच में एक बहुत बड़ी पुल पड़ता है। ट्रेन उस समुद्र के बने भारत के सबसे फेमस पुल पाम्बन ब्रिज पर चढ़ चुकी थी। अचानक से समुद्र में कुछ हलचल बढ़ने लगी थी। समुद्र की लहरें ऊपर उठने लगी। तभी बहुत ही बड़ी समुद्र लहर उस ट्रेन के तरफ आने लगी और वो इतनी रफ्तार में थी कि पुल के साथ साथ पूरे ट्रेन को समुद्र में बहा कर ले गई। रेलवे वाले के अनुसार इसमें लगभग 150 यात्री थे।